शिव ठाकरे हिंदी बिग बॉस सीजन 16 में मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है और वो विनर रहा है मराठी बिग बॉस सीजन 2 का. सो डेफिनेटली इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट कंटेस्टेंट. मैम, हाल ही में आपने कुछ सोशल मीडिया पर बिग बॉस को लेकर जिक्र किया, आपके जो आपके मतलब जिनके साथ थे, आप भी थे बिग बॉस में उस सीजन में, शिव की मैं बात कर रही हूँ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ फॉलो कर पा रही है आप बिग बॉस 16 हिंदी? अब हिंदी में भी वो हिस्सा है इस बिग बॉस का. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नहीं, मुझे अच्छा भी लगा, मुझे शॉकिंग भी लगा कि शिव ठाकरे हैज एंटर्ड हिंदी बिग बॉस. और मेरे साथ जो मराठी बिग बॉस सीजन 2 था उसमें 100 डेज हम लोग एक साथ थे. सो मैं शिव को बहुत अच्छे से जान गई हूँ एंड उसके बाद भी ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन. तो आज तक जैसे 2-3 साल हो गए, 19 में हम लोग ने किया था वो सीजन. सो उसके बाद आज तक वी आर इन टच एंड बहुत शेयर करते हैं हम, अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. वो ताई ताई बोलता है, मतलब दीदी होता है, ताई बोलता है, मेरे भाई की तरह, छोटे भाई की तरह है वो. सो और बहुत प्यारा इंसान है बेसिकली. मतलब एज अ कंटेस्टेंट भी उसने कभी अपना दायरा क्रॉस नहीं किया, कभी कुछ जैसे एग्रेसिव बहुत ज्यादा होना या जो करेक्ट टास्क के लिए जितना जरूरी ताकत लगानी उतनी ताकत लगाई, जितना दिमाग लगाना उतना दिमाग लगाया, जितना बॉन्डिंग चाहिए फ्रेंड्स के साथ उतना किया, गेम अच्छा खेला. और बेसिकली ये साइकोलॉजिकल गेम है तो आप शायद काफी हद पार कर सकते हैं इन एग्रेशन, उस आवेश में आके. लेकिन शिव इज अ वेरी बैलेंस्ड हेडेड बॉय, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड बॉय और बहुत लंबी रेस का घोड़ा है. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि ही शुड विन द हिंदी बिग बॉस सीजन 16 आल्सो. एक्चुअली वो बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं तो काफी प्राउड भी, क्योंकि काफी लोगों ने उनको बीच में सपोर्ट भी किया था, उनके फैंस ने ट्विटर पर भी ट्रेंड हुए थे वो. कुछ आप फॉलो कर पा रही है मैम, तो शूट करते हैं तो कुछ वो बराबर सीखता है, समझ लेता है कि कौन सा कंटेस्टेंट क्या सोच रहा है, सिंस उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है मराठी बिग बॉस का एंड रोडीज का भी वो कंटेस्टेंट रहा है. तो मुझे लगता है कि जो उसकी चाल है करेक्ट जा रही है. अभी जो लास्ट टास्क हुआ था शालिन के साथ हुआ था, तो शालिन के जो बास्केट में उसने जो वजन डालना शुरू कर दिया उसकी वजह से शालिन कैप्टन नहीं बन पाया. सो वो ट्रिक होते हैं बेसिकली. टास्क इज नॉट टास्क, यू डोंट हैव टू प्ले इट मस्ती से, यू हैव टू यूज योर ब्रेन कि हाउ कैन यू मेक द अदर पर्सन लूज और अदर पर्सन विन. एंड वो शिव को एक्सपीरियंस की वजह से बहुत अच्छे से पता चल गया है. और कल भी जो टास्क हुआ तो उसमें उसने थोड़ा सा वीक हो गया वो, कि सर पे उसके काफी सारा वजन डाला गया. गौतम के साथ, हाँ गौतम के साथ कैप्टनसी का टास्क वो खेल रहा था, उसके सर पे काफी वजन डाला गया तो वो गिराने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर उसका हाथ लग गया, कैमरा ने भी कैप्चर कर लिया. वो सब छोटी मोटी बातें चलती रहती है, पर इंसान है ना, गेम जीतने के लिए इंसान का जज्बा होना चाहिए और वो उसमें है, वो फायर उसमें है और उसके ट्रिक्स भी है उसके अंदर. सो प्लस एंटरटेन बहुत करता है अब्दू के साथ, उसका बहुत अच्छा बॉन्ड है, मस्ती करता है तो मजा आता है देखने को. एंड प्लस ही हैज अ नॉन एक्टर्स का ग्रुप के अंदर है वो. सो वो एक अलग फ्लेवर भी आ जाता है उसके अंदर. मुझे लगता है कि इट्स नॉट ओनली एक्टर्स एक्टर्स, इट्स लाइक कॉमन मैन गेटिंग इन टू दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एंड कमिंग इन सच अ बिग पीपल्स अटेंशन. आप खुद मैम इतना एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो शो, कितना मुश्किल होता है, मतलब उस घर में रहना डिफिकल्ट कितना होता है, मतलब इतने वक्त अननोन लोगों के साथ काफी सारी चीजें झेलना. बहुत बहुत टफ है बिग बॉस गेम और कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, क्योंकि हर मिनट आपका मूड टेस्ट किया जाता है, स्विंग होता है. क्योंकि आप सोचो एक बंदे को आप अपने दोस्त बना लेते हो, पता चलते उसी को आपके ऑपोजिट खड़ा कर देते, कैप्टनसी टास्क में हुआ या कोई ग्रुप टास्क में हुआ. सो ऑटोमेटिकली वो इंसान के साथ आपके एक स्प्लिट हो जाता है, आपका यूनियन नहीं रहता. फिर नेक्स्ट मोमेंट पे वापस उसको के साथ जुड़ के आपको खेलना होता है. तो ये जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना, कि अरे एक बार फ्रेंडशिप पे, एक बार एनिमिटी, एनिमिटी तो नहीं, कंपटीशन की जो स्पिरिट रहती है जीतने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एवरीवन वांट्स अदर्स टू गो ताकि वो आगे बढ़े, आगे जीते.
तो ये गेम तो खेलते ही रहेंगे सारे जन, लेकिन वो डिग्निफाइड कैसे खेल सकते हैं, वो सही तरीके से खेल सकते हैं, लॉजिकली कैसे खेल सकते हैं, वो गेम मैंने खेला एंड मुझे लगता है कि आई गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम माय ऑडियंस. मतलब आज तक मुझे छोटे बच्चे आंटी बोलते थे, तो छोटे 5-5 साल के बच्चे ताई दाई बोलना शुरू हो गए, क्योंकि किशोरी ताई करके वो काफी फेमस हो गई थी मैं उसके अंदर. एंड मैं जितना बोलूँ बिग बॉस के बारे में भी कम है. 100 डेज का मेरा सफर था, बहुत ही क्रुशल था, जो मेरे सोचो इतने सालों का जो करियर है उसका सफर, जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल मैंने 100 दिन में एक्सपीरियंस किया. ये बोल के मैं अपना बस एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस था वो. शिव के अलावा मैम आपको कोई आपका फेवरेट है कोई कंटेस्टेंट इस सीजन में? फेवरेट कंटेस्टेंट या कोई लग रहा है जो एक्चुअली अच्छा खेल रहा है, जो अच्छा लगता है देखना अदर देन शिव? मुझे लगता है अब्दू काफी आगे जाएगा क्योंकि वो स्मार्ट भी है, मतलब ही इज एंटरटेनिंग अ लॉट, साथ साथ में उसका दिमाग भी चलता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो काफी स्मार्ट है एंड सारे टास्क शायद खेले ना खेले, लेकिन बेसिकली बिग बॉस इज ऑल अबाउट एंटरटेनिंग द ऑडियंस एंड हाउ यू गो अहेड, दैट इज इट. सो वो देखते अभी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा गेम खेल रहा है. थैंक यू सो मच मैम. एंड लास्टली शिव के लिए कुछ विशेस देना चाहेंगे आप? शिव ठाकरे हिंदी बिग बॉस सीजन 16 में मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है. उसके साथ मैंने 100 डेज मराठी बिग बॉस सीजन 2 में बिताए और वो विनर रहा है मराठी बिग बॉस सीजन 2 का. सो डेफिनेटली इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट कंटेस्टेंट, बहुत अच्छा खेल रहा है, एंटरटेनिंग है एंड टास्क अच्छे खेल रहा है. और आप सबके, मतलब सिर्फ बिग बॉस सीजन नहीं जीतेगा, आप सबके मन भी जीतेगा, दिल भी जीतेगा. ऑल द बेस्ट शिव ठाकरे. थैंक यू सो मच.